नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार यानी आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को कहा कि ये संबोधन आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पहले की तरह ही जारी है, हालांकि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए लगातार वार्ता कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यानी सोमवार को भारत और चीन 19वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की वार्ता करेंगे। इस बैठक से पहले रक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में सेना के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, साथ ही भारतीय वायुसेना भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस पर भाजपा मौन मार्च निकालेगी। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क तक विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में मार्च निकलेगी। इससे पूर्व एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभाजन की त्रासदी से लोगों को अवगत कराएंगे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज हार गई है। वेस्टइंडीज ने आखिरी और निर्णायक T20 मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने पहली बार 5 मैचों की सीरीज गंवाई है। वहीं वेस्टइंडीज ने इतिहास रचते हुए भारतीय टीम के खिलाफ 7 साल में पहली बार सीरीज अपने नाम की है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मैदानी इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है। कई बैंकों ने अपने FD पर मिलने वाले ब्याज की दर में जोरदार इजाफा किया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की अमृत कलश स्कीम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस पर 7% से ज्यादा इंटरेस्ट निवेशकों को दिया जा रहा है, लेकिन अब इस स्कीम में निवेश करने के लिए महज 2 दिन का समय ही बचा है। 15 अगस्त 2023 तक ही ये योजना वैलिड है। शाहरुख खान की जवान की क्लिप को किसी ने ट्विटर पर अपलोड कर दिया है, जिसके बाद वो वायरल हो गई है। चोरी और क्लिप अपलोड करने वाले शख्स के खिलाफ सुपरस्टार के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने शिकायत दर्ज करवाई है। गौतम बुद्ध नगर में दादरी सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांवों को नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिया गया है। इन्हीं गांव के क्षेत्रों में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भारत और जापान ने मिलकर शुरू किया है। हाजीपुर के सांसद और RLJP प्रमुख पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच हाजीपुर सीट को लेकर तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर चिराग और पशुपति पारस के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि पशुपति पारस ने एक बार फिर कहा है कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने गश्त तेज कर दी है और केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पिकेट तैनात कर दिए हैं। बॉर्डर पर भी गहन जांच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।